मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार में उद्यान की मंत्री भारत सिंह कुशवाहा कांग्रेस के टिकट बंटवारे और शुरू हुए इस्तीफे के दौर पर तंज कसते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अभी सिर्फ एक दो इस्तीफे हुए हैं, देखते जाइए अभी तो बहुत ही इस्तीफे होने वाले हैं। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि कई कार्यकर्ता निष्ठा के साथ में वर्षों से काम करते हैं और वह उनके हकदार है। यदि पार्टी के नेतृत्व की ओर से उनकी अनदेखी की जाती है तो उस दल में यही स्थिति होगी जैसी आज कांग्रेस में है। और चुनाव में हर दल चुनाव की प्रक्रिया के तहत प्रत्याशियों की घोषणा करता है, ये जहां कोई नई बात नहीं है और सभी दलों का प्रयास रहता है कि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके पहले वो जारी करें और फार्म की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करें। देखिए, कांग्रेस कभी भी जनता की कांग्रेस सेवा नहीं की है। कांग्रेस की पूरी तरह से खुली मतलब फूल खुली है जनता के बीच में। जनता अच्छी तरह से जानती है कि इनके आने से अपराध बढ़ते हैं, लूटपाट बढ़ती है, चोरी वारदातें इन चीज़ों को ज़्यादा अंजाम देते हैं। इसलिए जनता की सेवा नहीं कर सकती है कांग्रेस, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जो हर दल की अपनी अपनी प्रक्रिया, कौन किसको लड़ाता है, किसी दल के बारे में कोई कुछ कहेगा तो जीत को लेके हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल मध्य प्रदेश में।